गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रतीक्षा। तो जैसे कि आज का जो डे वन है वो ओवर हो चुका है IBPS क्लर्क प्री का। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा एक डेटा कलेक्ट किया यूट्यूब से या फिर आपके जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, क्योंकि मेरा तो आज नहीं था, मेरा 14 को है, तो उस दिन एक्चुअल रिव्यू बन पाएगा कि कैसा पेपर आया था। अभी फ़िलहाल जो सुनने में आया उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि हम पहले चलते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जैसे कि मैंने पता किया तो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े अटेम्प्ट कम गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शिफ्ट। अदरवाइज़ जो पेपर का जो ओवरऑल पेपर था वो इजी था। और आपको लोग जो लोग ऑलरेडी मतलब एक साल से दो साल से दे रहे हो पेपर, उनको पता है कि क्लर्क का लेवल कैसा आता है। सो पेपर जो है वो इजी था। एंड जो क्लर्क का लेवल होता है वो SBI क्लर्क से काफ़ी इजी होता है, इवन IBPS क्लर्क से भी बहुत इजी होता है। तो इस बार SBI में 88 का अटेम्प्ट गया था बहुत लोग का, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लोग फुल बना के आए होंगे, 80 out of 80 बना के आए होंगे, ठीक है। सो हम उनको कंसिडर नहीं करते, हम बस एवरेज अटेम्प्ट को देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और जो जो स्टेट्स में बहुत वैकेंसीज है वहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट जो है बहुत वैरी मतलब मैटर करेगा। और जो स्टेट्स में बहुत कम वैकेंसीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उड़ीसा, वहाँ पे अगर आप 75+ बना के आए हो तो एकदम अच्छा से हो जाएगा आपका, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स और बढ़ जाएंगे। और बाकी जो स्टेट्स मतलब जैसे UP महाराष्ट्र वगैरह और बिहार तो वैसे भी कम है, जो अच्छे वैकेंसीज के साथ 200-300 वैकेंसीज मतलब वहाँ पे है, वहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट से ही आपका कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगा, तो इसी के नियर अराउंड जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था उसमें 62-63 का एवरेज अटेम्प्ट गया है। वैसे तो बोले तो एक 70 भी मतलब कोई बना के आया होगा, ठीक है, 70+ 75+ भी बना के आए होंगे, बट एवरेज ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एक 62-63 का एवरेज अटेम्प्ट गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मतलब मैथ्स तो हर एक शिफ्ट में एक ही जैसा आ रहा है, बट रीजनिंग इसमें थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर 3 शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट साइड में था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मॉडरेट वाला वर्ड होता है ना, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। जिन लोग का पज़ल में अच्छा बेस होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उन लोग के लिए ईजी गया होगा पेपर। जो लोग पज़ल में थोड़ा फंस जाते हैं उन लोग के लिए थोड़ा मॉडरेट गया होगा, और कुछ नहीं होता है वैसे, बट उसी से ही कट ऑफ आपका डिसाइड होता है कि लोग मतलब आपका कैसा पेपर गया, कि आपका कितना मार्क्स आएगा वो आप पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल ओवर इंडिया या फिर आपके स्टेट वाइज बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो इसीलिए अगर हम देखें तो मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था रीजनिंग में, और मैथ्स भी वही था। तो उसमें जो अटेम्प्ट गया है वो 62 गया है, ठीक है। और सेकेंड शिफ्ट में 65+70 अराउंड कट ऑफ गया है। मैं तो बताऊँगी आई वुड से 70+ कट ऑफ गया है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि बस 70-75+ गया है, 75 इवन में बता रही हूँ। उस ओडिशा में मेरे जितने भी दोस्त मतलब चार पांच दोस्त थे मेरे, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, 80 out of 80 बच्चों ने बना के आए हैं, ठीक है। तो ओडिशा में तो भूल ही जाओ कि 70 अराउंड कट ऑफ जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 80 77, 78, even 76 तक कट ऑफ जाएगा, मतलब मिनिमम 76 तो जाएगा ही, उससे कम नहीं आएगा कट ऑफ। तो लेट इट बी, ओडिशा की बात नहीं करेंगे, ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो सेकंड शिफ्ट में थोड़ा रीजनिंग मॉडरेट मतलब इजी हो गया, मतलब इजी आ गए होंगे पजल्स, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्वांट वैसा ही रहा, और थर्ड में भी वैसा रहा, फोर्थ में भी कहीं ना कहीं वैसा ही रहा। ऑल ओवर पेपर जो है वो 70 अराउंड 65 अगर हम लेके चलते हैं, एक सेफ मतलब सेफ तो नहीं, एवरेज अटेम्प्ट 65 पूरा है, ठीक है। तो उसके नियर अराउंड मैक्सिमम बच्चों ने बनाया ही होगा, क्योंकि क्लर्क बहुत ईजी एग्ज़ाम है, और बच्चे ऐसे भी होंगे 51-52 बना के आए होंगे, मे बी उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, या फिर कुछ फंस गए होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 65 बनाए। सो अगर हम ओवरऑल पेपर की जो बात करें तो वहाँ पे जो पजल्स आ रहे थे 4 से 5 आ रहा है, फिर 4 तो मिनिमम आ रहा है, और इजी टू मॉडरेट है, और कहीं ना कहीं बहुत इजी लेवल पे आ रहा है। फिर उसके बाद हम सिलॉक की बात करें तो वो बहुत इजी होता है, बहुत ईजी मैंने यहाँ पे एक 5 जो लिया है, यहाँ पे एक 4 to 5 एक एवरेज लिया है, क्योंकि कोई कोई शिफ्ट में तो 10 मिसलेनियस क्वेश्चन है ही नहीं, कोई कोई से 5 पजल आ गया, किसी में 4 आ गए, तो वो डिपेंड करता है। तो उसके बाद आपके इनइक्वालिटी तो नॉर्मली इजी रहते हैं, इन केस ऑफ PO लेवल ऑल्सो इट वॉज़ वेरी इजी। तो क्लर्क में आप सोच लो बहुत ज़्यादा इजी रहा होगा। फिर उसके बाद मिसेलेनियस ब्लड रिलेशन वगैरह भी इजी ही आए होंगे, ठीक है। तो कोई भी जैसे अब यहाँ मैंने लिखा है, कोई भी मेजर चेंजेस जो वो देखने को नहीं मिले। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स थोड़ा मतलब इस बार PO के हिसाब से थोड़ा अलग था, PO के पैटर्न के हिसाब से। और DI जो आते हैं वो 3 तो नहीं आए, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता 3 आए होंगे, 2 तो मिनिमम आए होंगे,
तो किसी ने मुझे बोला कि 3 DI थे सो रिलेटेड भी, तो 2 DI आप लेके चलो, फिर मिसिंग नंबर आ रहे, तो मिसिंग नंबर तो वैसे भी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज़, तो मिसिंग नंबर आ रहे। फिर क्वाड आ रहा है, मतलब क्वाड अभी तक तो शायद नहीं आया, लेकिन मे भी हो सकता है कि जो 14th वाला है वहाँ पे क्वाड आ जाए। अगर आएगा भी तो इजी होगा क्योंकि पीओ लेवल पे बहुत इजी था ये। और सिंप्लीफिकेशन इज सच ए बिग रिलीफ कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड इट वॉज ऑब्वियस कि IBPS क्लर्क में तो एटलीस्ट आएगा सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मिसलेनियस अरिथमेटिक भी बहुत ईजी होते हैं, और कहीं कहीं पेपर में क्वान्टिटी बेस्ड जो Q1 Q2 होते हैं वो भी आया है, तो आई होप कि वो भी इजी ही होगा। तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड है, फिर उसके बाद आपका अरिथमेटिक, ये तो मॉडरेट में कहीं कहीं बच्चों को, मतलब कोई कोई बच्चों के लिए मॉडरेट होता है, मेरे लिए अरिथमेटिक बहुत ही मॉडरेट हो जाएगा क्योंकि मैं अरिथमेटिक ऑलवेज स्किप करती हूँ, उसको मैं पूरा लास्ट में करती हूँ। सो ये था, तो ओवरऑल जो पेपर में बता सकते हो कि वो पेपर जो था वो इजी था और एज एक्सपेक्टेड ही था, कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हमको। और हमको तो पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही, तो इन केस अगर फर्स्ट ईयर वाला का थोड़ा भी हार्ड आया होगा तो दे विल गेट बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और कोई भी अगर कोई भी शिफ्ट, सॉरी फॉर द नॉइजेस गाइस, कोई भी शिफ्ट अगर हार्ड आया होगा तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये था टोटल रिव्यू। आप अपना स्टेट और अपना जो जितना भी अटेम्प्ट हुआ आपका आज के डेट पे वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और प्लीज़ लेट मी नो कि फिफ्थ वाला शिफ्ट हुआ था कि नहीं। मुझे तो नहीं मिला, मे बी मैंने सर्च ठीक से नहीं किया होगा, क्योंकि पीयू में तो फिफ्थ मतलब 5 शिफ्ट हुए थे ना, तो मुझे बताना कि फिफ्थ शिफ्ट में जिन लोगों का था या फिर हुआ कि नहीं, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट करके। सो दैट वॉज इट गाइज, जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा कट ऑफ एनालिसिस होगा, मैं फिर से एक ट्राई करना चाहूँगी आफ्टर द फेल्यूर ऑफ IBPS क्लर्क कट ऑफ प्रिडिक्शन, उसके बाद मैं फिर से एक ट्राई करना चाहूँगी। आई होप कि इस बार मैं एक सही कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाऊँ, मतलब यू नो नियर टू द एक्चुअल कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ इट इज सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।